एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्वेश्चन दिया हमें, जो जहां पे लिखा हुआ हम डन दिया है, एक्स पावर एक्स कॉस एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे वाई कोस टू एक्स रेस्टोर एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे, फंक्शन ही पावर फंक्शन एक ही है ना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, एक को लॉग लगाना पड़ेगा। तीन है तो बीच में एडिशन, वही यू उसको वैसे लेते हैं या उसको भी लॉग लगा के हम कर सकते हैं, क्लियर। नहीं तो यू वाई वी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, विच इम्प्लाइज वाई फोर्स को मैंने यू माना और ये क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। करो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, और इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 यू वाई वी। तो ये आया विच इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स, ये आएगा वी डेरिवेटिव ऑफ यू, 2x कर दूं 1 की बजाय आपको 0 होगी, और यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखा और डेरिवेटिव आएगी 2x, क्लियर, होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, ये 2x यहां से कॉमन वाला पीछे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसको और इसको कट गया, क्या बच गया, विच इम्प्लाइज डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स, देखो माइनस 1 और माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस 2, इट मीन्स मैं माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, थोड़ा सा डायरेक्टली किया कर सकता हूं, तो रखा फर्स्ट हमने, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, वेयर u क्या चीज है, x होल पावर x cos x, राइट। क्या करेंगे हम, बाय टेकिंग log on both side comma we get log of u log of x raised to x cos x, yeah log of u x cos x into log x into log x। तो ये क्या आ गया, देखो एक फंक्शन या तीन फंक्शन बन रहे हैं, कितने फंक्शन बन रहे हैं हमारे पास, तीन फंक्शन बन रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते तीन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, राइट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, लेकिन ये क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड को रखा डेरिवेटिव किसके करेंगे हम, थर्ड की, प्लस फर्स्ट थर्ड रखा डेरिवेटिव सेकंड, राइट, प्लस सेकंड थर्ड रखा और डेरिवेटिव फर्स्ट की, क्लियर। जहां पे आया डी यू अपॉन डी एक्स, या यू इंटू एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स की आएगी 1 बाई एक्स, तो प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स की आती है माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू 1, ठीक है। तो जे हमारे पास आया, अब जहां पे विच इम्प्लाइज डी यू अपॉन डी एक्स, यू क्या चीज है, एक्स रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स, और ये क्या, एक्स और एक्स कट गया, क्या बच गया, सिर्फ कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। एनी क्वेश्चन, ओके।
ये हमारे पास आ गया। क्लियर। अब क्या लेंगे हम? नाउ फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट फर्स्ट डी बाई अपॉन डी एस किसके इक्वल आएगा? डी यू बाई डी एस क्या हमारे पास? एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स लॉग एक्स प्लस ये क्या हो गया? एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस माइनस क्या आएगा? फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। जी आंसर आ गया। चलो बता अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, नोट कर दिया। तो फिर लेट करेंगे हम y इक्वल टू x cos x होल पावर x प्लस x sin x होल पावर x। तो इसको क्या करना पड़ेगा? u प्लस वी, y लिया u प्लस वी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा v गेट। तो ये आएगा dy अपॉन dx इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। क्या करेंगे अब हम? जमर पास आया। ओके तो वेयर यू इक्वल टू क्या है? एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स। क्या करेंगे? बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कॉमा वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ यू, ये आएगा लॉग ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स होल पावर एक्स। लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग ऑफ एम। अब लॉग एम इंटू एन क्या होता है? ये आएगा, इसको लॉग एम एम इंटू एन का फॉर्म लगाओ, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ओके ये लॉग ऑफ यू आ गए। करो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट। ओके ये यू की वन बाई यू डी यू अपॉन डी एक्स, इसकी आएगी फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन वन बाई एक्स प्लस वन बाई कॉस एक्स इंटू कॉस की आएगी माइनस साइन एक्स प्लस ये आएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव एक्स की क्या आएगी? वन। क्लियर। यहाँ पे यू की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये क्या आ जाएगा? डी यू अपॉन डी एक्स यू इंटू जे आएगा हमारे पास वन बाई एक्स माइनस साइन बाई कॉस टेन एक्स, और ये क्या आ गया? प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ओके अब यहां पे हम क्या रहे? यू के वैल्यू पुट करते हैं, डी यू बाई डी एक्स। यू क्या चीज है? एक्स कॉस एक्स। हाँ कौन सा एक्स? ये वाला एक्स। ओ यस ये वाला एक्स भी है। जी आ जाए यू इंटू एक्स ये मनवा से। क्लियर। लेकिन ये यू यू है ये पूरे होल मल्टीपल का हो है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इंटू वन माइनस टेन एक्स। ठीक है इस x की मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या? देखो जब इस x के अंदर मल्टीप्लाई करी तो क्या जाए? वन बाई एक्स हो जाए, कट जाएगा क्या बचेगा? वन माइनस एक्स टेन एक्स। क्लियर। फिर जो लॉग m प्लस लॉग n है क्या मैं इसको लॉग ऑफ x cos x लिख सकता हूं है ना। दोबारा भाई फॉर्म ला दिया हमने। अब क्या हमारे पास नेक्स्ट? वेयर v क्या है? v x sin x की होल पावर वन बाई एक्स। क्लियर। जो हमारे पास आया तो क्या आएगा? वाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कॉमा v गेट। ओके लॉग लेंगे, लॉग लिया तो क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ वी
log of x साइन x होल पावर 1/x ये आएगा 1/x इंटू log of x साइन x, क्लियर। जैसे हमने इसको ये log of m प्लस n का m इंटू n का बाउंड लगाया ना, यहां पे भी लगा सकते हैं हम 1/x, जहां इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं यू वाई वी का फॉर्म लगाते हैं, सीधे इसको रहने देते हैं, अपनी चॉइस हम जैसे मर्जी करें, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी, क्या जाएगा 1/v डी वी वाई डी एक्स जाएगा यू वाई वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू, जब इसकी डेरिवेटिव आएगी तो ये क्या आएगा 1/1 एक्स साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव किसकी होगी एक्स साइन एक्स, क्लियर। यह आएगा माइनस वी, ठीक है ना, यू वाई वी है ना, वी डॉट यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी की क्या आ जाएगी 1, चलो बताओ अपान आ जाएगा वी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया डी वी अपॉन डी एक्स, क्लियर। और यहां पे बी की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एक्स एस कट गया, क्या आ गया 1/sin है ना, तो ये आएगा 1/sin साइन, इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट कोसाइन डेरिवेटिव क्या होती है कॉस एक्स प्लस ये क्या आ जाएगा साइन एक्स, एक्स की डेरिवेटिव 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, एनी क्वेश्चन, ओके। तो ये क्या आ गया, यहां पे दिख रहा है, दिख रहा है ना, यह विच इम्प्लाइज डी वी अपॉन डी एक्स, ये क्या आ गया, वी की वैल्यू क्या दी है हमें एक्स साइन एक्स होल पावर 1/x, तो ये क्या आ गया, इसको लगाया हमने ये साइन से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये इसकी जहां पे क्या आएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा विच इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स की पावर 1/x या एक्स कॉड एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, ओके जे मतलब नाउ क्या आएगा, इसको नंबर दिया नहीं है आपने, इसको नंबर देते हैं हम क्या फर्स्ट, नाउ फर्स्ट बिकम्स एज जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स डी यू अपॉन डी एक्स, क्या निकाला आप लोगों ने एक्स कॉस एक्स होल पावर एक्स, राइट, इंटो आएगा 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स, क्लियर, प्लस क्या आएगा एक्स साइन एक्स होल पावर 1/x, ये क्या जाएगा एक्स कॉट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स, राइट, ये क्या मिला हमें डी बाई अपॉन डी एक्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ओके। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?